आइए मेरे साथ बोलिए जय हिंद। और वही फौजी गेम में मल्टीप्लेयर मोड भी आने वाला है और इसके मुझे कुछ स्ट्रॉन्ग एविडेंस मिल चुके हैं, लेकिन ये आपको फौजी के नेक्स्ट वर्जन में ही देखने को मिलेगा। और बैटल रॉयल मोड पे भी कुछ प्रैक्टिकल बातें आपसे करनी है, तो पूरी बात करेंगे इस पर। साथ ही साथ आपको लॉन्च डेट को लेकर अपना एक फाइनल अपडेट देने वाला हूं, जिससे आपको और कोई वीडियो देखनी नहीं पड़ेगी। लेकिन उससे पहले आपको एक इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि इस चैनल पर फौजी गेम की और भी वीडियोस को आपको जरूर लेना चाहिए, तभी आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आएगी। और आज आपसे पहली बार एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, वाले ही सब्सक्राइब मत करना, क्योंकि जितना लाइक एंड शेयर आप इस वीडियो को करोगे, मल्टीप्लेयर मोड के जल्द से जल्द आने के चांस इंक्रीज होंगे। क्योंकि विशाल जी ने अपने एक इंटरव्यू में बोला था कि वो प्लेयर्स के इंटरेस्ट पे ही अपडेट देंगे, और मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई बंदा होगा जिसको फौजी में मल्टीप्लेयर मोड नहीं चाहिए होगा। तो बताओ कमेंट में कि आपको सबसे पहले मल्टीप्लेयर मोड चाहिए या नहीं, या ग्राफिक्स अपडेट चाहिए, क्योंकि ये वीडियो एनकोर गेम्स वाले भी देखने वाले हैं यूजर फीडबैक की तरह। अब सबसे पहले लॉन्च डेट को क्लियर कर देता हूं। तो भाई फौजी इस मंथ नवंबर में ही लॉन्च होने वाला है, ये 100% कंफर्म हो चुका है, और इवनिंग के टाइम पे आएगा ये भी मैं आपको बता चुका हूं। और लॉन्च डेट किसी बिग ओकेशन में से कोई सी भी हो सकती है, जैसे 9, 10, 13 से 16 तक, 20, 24 या 30 नवंबर, इनमें से मुझे 13 और 16 नवंबर तक के बीच में फौजी गेम के लॉन्च होने की सबसे ज्यादा उम्मीद है। और अब सिर्फ आपको भगवान ही 100% कंफर्म लॉन्च डेट बता पाएंगे। अब बात करते हैं बैटल रॉयल मोड की, तो आपको सबसे पहले बता दूं कि इस मोड के लिए एक काफी बड़ा ओपन वर्ल्ड मैप चाहिए होता है। और अब तक एनकोर ने 2 मंथ में जो फौजी गेम का ट्रेलर हम सबको दिखाया है, भाई उसमें जो मैप दिखाया है वो पबजी में जो टीडीएम मोड है उतना साइज मुझे लग रहा है। और अगर वो बैटल रॉयल मोड के लिए मैप बनाने बैठेंगे तब कितना टाइम लगेगा, आप खुद इसका अंदाजा लगा लीजिए। इसलिए भाई बैटल रॉयल मोड आएगा, लेकिन उसमें अभी बहुत लंबा टाइम लगेगा। लेकिन उससे पहले आपको मल्टीप्लेयर मोड देखने को मिलने वाला है, इसके कुछ एविडेंस पे बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये इंटरव्यू की क्लिप देख लो। That right, we want to give people even you know the surgical strike आप देख लो, right? There are lot of themes which we can take. There are so many battles and wars. So we will see how we can adopt them into the game and then introduce different modes. तो आपने गौर किया, विशाल जी ने साइलेंटली एक बहुत बड़ी बात बोल दी है कि आपको गेम्स में सिंगल प्लेयर स्टोरी मोड के साथ मल्टीप्लेयर मोड्स भी मिलेंगे। इसको सिंपल करके बताऊं तो लेवल 1 जो कि गलवान वैली पे है उसमें आपको स्टोरी मोड मिलेगा, फिर कुछ अपडेट्स के बाद आपको मल्टीप्लेयर मिलेगा, और ऐसे ही आपको लेवल 2 मिलेगा जो कि शायद कारगिल वॉर पे बेस्ड हो सकता है, उसमें भी सेम पहले स्टोरी मोड आएगा, फिर कुछ अपडेट्स के बाद आपको मल्टीप्लेयर मोड मिलेगा। और जब सारी स्टोरीज कंप्लीट हो जाएंगी तब एनकोर इन सारी लोकेशंस को कंपाइल करके एक ओपन वर्ल्ड मैप तैयार कर लेगा जो कश्मीर का हो सकता है, और फिर फौजी मैप बैटल रॉयल मोड के जरिए लॉन्च कर सकता है। और अब दूसरा एविडेंस है एनकोर की म्यूजिक ऐप टपी। तो जब आप प्ले स्टोर पे टपी ऐप के डिस्क्रिप्शन को देखोगे तो वहाँ पर लिखा है मल्टीप्लेयर मोड कमिंग सून, तो जब वो म्यूजिक ऐप में ये दे सकते हैं तो फौजी में तो भाई देना बनता है। और तीसरा एविडेंस है कि एनकोर ने कुछ न्यू डेवलपर्स भी हायर किए हैं, जैसे कि एनवायरमेंट डेवलपर, जो आपको मैं बता चुका हूँ, जिससे पता चल रहा है कि एनकोर अपनी टीम को और ज्यादा एक्सपेंड कर रहा है ताकि गेम में जल्दी जल्दी अपडेट्स दे पाए, और जितनी बड़ी टीम होगी उनकी उतना ही अच्छा गेम बनेगा। तो अभी तक एनकोर के पास 28 लोगों की टीम बन चुकी है। तो चलो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, वंदे मातरम।